What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. पनीर भुना मसाला बना रहा हूँ आज, और ये जो है ना रेसिपी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल रेसिपी है, बट ये जो रेसिपी है मैं भुना वाले मसाले की काफ़ी टाइम से बना बना के ट्रायल कर करके बनाई है, और इतनी इनक्रेडिबल ये रेसिपी बनती है। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है, मेहनत इतनी है कि भुना ही अच्छे से करनी पड़ती है, और कुछ चीज़ें ना वो थोड़ी मेहनत करके ही आती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि 5 मिनट में 10 मिनट में ये पनीर भुना मसाला बन जाएगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा भुनाई में, लेकिन एक बार आपने वो ग्रेवी को भून लिया ना अच्छे से, फिर जब उसमें पनीर डालोगे और इसको खाओगे रुमाली रोटी के साथ, मज़ा आ जाएगा। और साथ ही मैं दो अलग अलग टाइप की चटनियाँ सर्व करता हूँ, वो इस वीडियो में अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिंक में नीचे मेंशन कर दूंगा। वो एक लाल चटनी हरी चटनी है, साथ में प्याज नींबू मिर्ची रुमाली रोटी, खाओ यू विल हैव अ ब्लास्ट। तो पनीर भुना मसाला के लिए, भुना मसाला की जो ग्रेवी है भुनाई कर करके अच्छे से कैसे बनाते हैं तबीयत से पेशेंस से, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक मैं बड़ा सा तवा यूज़ कर रहा हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, बट तवे पर मुझे ऐसे भुनाई वाली आइटम बनाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है, इसमें भी 2 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी और तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी इलायची और 5 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड करने हैं। प्याज थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, भुना मसाला में प्याज की जो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छे से स्टर करते हुए अभी आपको मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज को अच्छे से भूनना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन रंग के नहीं हो जाते हैं। भुनाई एकदम अच्छे से करनी है, इस प्रोसेस को लगभग 8-10 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी समय लग जाता है। प्याज एक बार लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, उस स्टेज पर आपको इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करनी है। फिर से 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है कि प्याज और भुन जाए और अदरक लहसुन की पेस्ट भी भुन जाए, थोड़ी सी हल्दी भी भुन जाए। एक बार आपने इसे भून लिया है तो फ्लेम को लो कर दीजिए। इस स्टेज पर इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें डालकर हल्का सा स्टर कर लीजिए और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल दीजिए कि मसाले जो हैं वो जले नहीं और आप मसालों को अच्छे से भून पाएं। आपने देखा होगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला इसी स्टेज पे डाल दिया है, क्योंकि मैंने खड़े मसाले काफ़ी नहीं डाले, खड़े मसाले क्या ना वो मुंह में आते मज़ा नहीं आता, तो गरम मसाला इसमें मैंने ऐड किया ये वाली रेसिपी में। तो अच्छे से पानी डालने के बाद मसालों को भूनिए जब तक कि तेल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। बस 2-3 मिनट ही लगेंगे इस स्टेज पर, तो मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं। एक बार ये प्रोसेस हो जाए तो आपको फ्लेम को लो कर देना है। फ्लेम को लो करने के बाद 1/2 कप आपको दही ले लेना है और दही को फैट कर इसमें ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए। एक बार स्टर कर लिया है तो फ्लेम को हाई करके अभी दही को भी अच्छे से भूनना है। जो तेल है फिर से मसाले से छूट जाना चाहिए, जो दही है वो भी अच्छे से पक जाना चाहिए इसी स्टेज पर। तो एक बार दही को भी आपने पका लिया, 5-6 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हो तेल छूट चुका है, दही हमारा अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज के ऊपर फ्लेम को लो कर देना है। बाजू में एक फटाफट से मिक्सर बना लेते हैं। मिक्सी के अंदर 2 टमाटर ऐड कीजिए, साथ में ना यहाँ पर 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च और 10 काजू को मैंने 10-15 मिनट के लिए उबाल लिया था, इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर एक फाइन प्योरे बना लीजिए। एक बार आपकी फाइन प्योरे बन जाए तो इस प्योरे को आपको अभी ऐड कर देना है, साथ ही में इसमें ताज़े धनिया के जो स्टेम्स होते हैं ना, डंठल होती है, उसे चॉप करके ऐड कर देना लगभग 1 टेबलस्पून, 1 चॉप की हुई हरी मिर्च और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को अभी आपको स्टर करना है और हाई फ्लेम करके इससे अच्छे से भूनना है आपको। भुनाई करनी है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। जितना अच्छे से इसको भूनेंगे, जितना इसका कलर डार्क होएगा, जितनी अच्छे से भुनाई होएगी, उतना आपको मज़ा आएगा इसे खाने में। मैं इस स्टेज पर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड कर रहा हूँ, पहले स्टेज पे इसको अच्छे से पकाऊंगा, एकदम ग्रेवी ड्राई हो जाएगी, तेल छोड़ देगी, घी छोड़ देगी, उस स्टेज तक पकाऊंगा। इस प्रोसेस को लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हो 10-15 मिनट के बाद ग्रेवी एकदम ड्राई हो गई है, तेल एकदम छोड़ दिया है, घी एकदम छोड़ दिया है। इस स्टेज पर इसमें अभी गर्म पानी ऐड करना है और गर्म पानी ऐड करने के बाद फिर से इसको अच्छे से भूनना है। पानी डालने की ज़रूरत आपको शायद 2-3 बार पड़ जाए, बट पानी डाला आपने, 2 से 3-4 मिनट भुना, फिर थोड़ा सा पानी डालिए, फिर भून लिए, ऐसे 2-3 बार आपको कम से कम 10-15 मिनट के लिए और भून लेना है इस ग्रेवी को। जैसे मैंने आपको बताया, भुनाई जो है इस रेसिपी का जो एक्चुअल गेम है वो भुनाई का ही है। तो एक बार आपने इसे अच्छे से भून लिया, आप देख सकते हो हमारी ग्रेवी जो है, हमारा जो मसाला है एकदम अच्छे से भून चुका है, तेल घी अलग हो चुका है, रंग एकदम डार्क हो चुका है। इस कंसिस्टेंसी, इस टेक्सचर तक आने तक आपको इस मसाले को भून लेना है। तो आप देख सकते हो हमारे भुना मसाला की ग्रेवी जो है
वो रेडी हो गई है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दीजिए। बाजू में एक छोटा सा पैन ले लीजिए, पैन को आपको हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसमें एक टीस्पून सिर्फ घी डालना है। घी डालने के बाद एक लार्ज प्याज को डाइस करके इस तरीके से ऐड कर देना है और एक कैप्सिकम को डाइस करके ऐड कर देना है। प्याज और कैप्सिकम को एकदम हाई फ्लेम पर लगभग 1-1.5 मिनट के लिए आपको बस टॉस करना है। इसको बीच बीच में ऐसे रहने दीजिए फ्लेम के ऊपर, हल्का हल्का रंग पकड़ना चाहिए, एकदम क्रंची क्रिस्पी आपका प्याज और कैप्सिकम रहना चाहिए, गलाना नहीं है यहाँ पर। बस फटाफट 1 मिनट के अंदर ही इसको ऐसे टॉस कर लीजिए और फिर कैप्सिकम और प्याज को आप ग्रेवी के अंदर, मसाले के अंदर ऐड कर दीजिए। अभी पनीर ऐड कर रहा हूँ, तो पनीर को मैंने आपने देखा कैसे क्यूब्स में ऐड किया हुआ है, और 400 से 500 ग्राम यानी कि आधा किलो पनीर आप इतनी ग्रेवी में डाल सकते हो। तो क्वांटिटी अगर आपको कम करनी है तो आधी ग्रेवी बनाइए, 250 ग्राम पनीर भी डाल सकते हो, 2-3 लोगों के लिए इनफ हो जाएगा। ये रेसिपी की जो क्वांटिटी है 4-5 लोग आराम से खा सकते हैं। पनीर ऐड करते ही आपको साथ ही में एक लार्ज चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, एक चुटकी होममेड गरम मसाला, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें डालकर हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करना नहीं तो पनीर टूटने लग जाएगा। हल्के हाथों से मिक्स कर लो और 2 से 3 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ, मसाले के साथ पनीर को आपको पका लेना है। इस स्टेज पर आप टेस्ट कर लीजिए, अगर सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो कर सकते हो, यहाँ पर नमक तो एकदम परफेक्ट है। ऊपर से थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा पनीर भुना मसाला रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल। ग्लोइंग पनीर भुना मसाला बना है और साथ में इसके ना मेरे को रोटी और नान से रुमाली रोटी खाने में मज़ा आता है। और वो जो दो चटनियाँ डाली ना वो ज़रूर बनाना, रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशनड है। ये चटनियाँ प्याज नींबू मिर्ची और भुना मसाला, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। इस भुना मसाले का ना रुमाली रोटी में रोल बना के खाओ, सेम प्याज डालो, नींबू डालो, धनिया डालो, ये दो चटनियाँ डालो, रोल कर दो और रोल भी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यूजुअली मैं रोल भी बनाता हूँ इसका, लेकिन मैंने आज ऐसे अलग अलग सर्व किया, नहीं तो आप बोलोगे कि रोल के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा, बट अगर बच जाए तो रोल बना के खा लो, मज़ा आ जाएगा आपको। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू वाईएफएल इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल पनीर भुना मसाला रेसिपी एट योर होम, और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस रेसिपी। चीयर्स।